मार्केटिंग जीनियस, रिस्क टेकर, नेगोशिएशन मास्टर, शेयर मार्केट एक्सपर्ट, ये सारे नाम है उस 10th पास इंसान के जिसने दुनिया को बता दिया कि हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यहां जाए बिना भी दुनिया का टॉप बिजनेसमैन बना जा सकता है, एक छोटे से गांव से निकलकर भी पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में किया जा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं धीरज लाल गोवर्धन दास अंबानी की, जिनको हम धीरू भाई अंबानी के नाम से जानते हैं। धीरू भाई अंबानी ने इंडिया में बिजनेस के और बिजनेसमैन के मायने को बदल दिया। आज उनका बर्थडे है, आज उनका जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन पे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं उनकी लाइफ की ऐसी कही हुई 5 बातें जो अपने आप में लाइफ लेसन है, जो हर किसी के काम के हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, ये लाइफ लेसन आपके हमेशा काम आने वाले हैं। धीरू भाई अंबानी का दिया पहला लाइफ लेसन, जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। धीरू भाई अंबानी जब छोटे थे, 12-13 साल के थे, तब से ही सपने देखने की हिम्मत कर रहे थे। अभी स्कूल में ही थे, उन्होंने सपना देखा अपने पांव पे खड़े होने का और स्कूल के बाद पकौड़े बेचने शुरू कर दिए। उसके बाद सपना देखा इंडिया से बाहर जाके जॉब करने का, इंडिया से बाहर गए, येमेन गए, वहां जाके जॉब की। अभी जॉब करते 2 साल ही हुए थे, एक और बड़ा सपना देखा कि वापस इंडिया जाके अपना बिजनेस करना है। इंडिया वापस आए 1962 में अपने चचेरे भाई के साथ, रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन बनाई, सपने देखते गए, आगे बढ़ते गए। धीरू भाई ने सपने देखने की हिम्मत की और उसी हिम्मत का नतीजा है कि वो सपनों को हकीकत में बदल सके। आप भी हिम्मत करो सपने देखने की और हिम्मत करो उन सपनों को पूरा करने की, क्योंकि हर चीज की शुरुआत हमेशा सपनों से ही होती है। कोई भी बड़ी चीज पहले किसी का सपना था, तो सपने देखने की हिम्मत करो, क्योंकि जो सपने देखने की हिम्मत करता है वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। धीरू भाई अंबानी का दिया दूसरा लाइफ लेसन, कठिन समय में भी अपने लक्ष्य को मत छोड़िए और विपत्ति को अवसर में बदलिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, धीरू भाई अंबानी के सफर में उनको प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी? बहुत प्रॉब्लम्स आई, लेकिन वो विनर की तरह, वो चैंपियन की तरह, वो लीडर की तरह, वो अचीवर की तरह लगे रहे। 1965 में उनकी पार्टनरशिप टूट गई, जिसके साथ बिजनेस शुरू किया वो अलग हो गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, निराश नहीं हुए और स्पीड के साथ और फोकस के साथ लगे रहे। 1966 फैक्ट्री बना रहे, अपनी पहली फैक्ट्री, रुपी की वैल्यू कम हो गई, सारे खर्चे कई गुना बढ़ गए, लेकिन अपने गोल्स पे, अपने ड्रीम्स पे पूरा विश्वास था। अब प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया, अब प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाना है। पुराने प्लेयर्स जो मार्केट के शहंशाह बैठे, उन्होंने तंग नहीं किया होगा, उन्होंने पूरी कोशिश की मार्केट में ना आए। होलसेलर्स ने भी लीडर्स की बात मानी और उनके प्रोडक्ट को मार्केट में आने से रोका, उनके प्रोडक्ट को नहीं बेचा, लेकिन वो सोल्यूशन ढूंढते रहे। हेल्थ की तरफ से भी चैलेंज आए, 1986 में उनको पैरालिसिस अटैक हो गया। देखो, सरकार की तरफ से, परिवार की तरफ से, हेल्थ की तरफ से, वेल्थ की तरफ से प्रॉब्लम्स आती रही, लेकिन वो प्रॉब्लम्स को फेस करते गए, उनको अपॉर्चुनिटीज में बदला उनसे सीख के, क्योंकि उनको पता था ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती है, मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में आती है, लेकिन जो लोग प्रॉब्लम्स की वजह से अपने गोल से पीछे नहीं हटते, जो लोग प्रॉब्लम्स में से सीखकर उनको अपॉर्चुनिटी, सीखने की अपॉर्चुनिटी बना देते हैं, सीखने का मौका बना देते हैं, सफलता उन्हीं लोगों के पांव छूती है। इसलिए धीरू भाई अंबानी की बात याद रखें, कठिन समय में भी अपने लक्ष्य को मत छोड़िए और विपत्ति को अवसर में बदलिए। दोस्तों धीरू भाई अंबानी का थर्ड लाइफ लेसन, व्यापार की जानकारी रिस्क लेने से आती है। नॉलेज का सबसे बड़ा सोर्स रिस्क ही होता है। धीरू भाई अंबानी को रिस्क टेकर ऐसे नहीं कहा जाता। आप उनकी लाइफ को स्टडी करो, लाइफ को देखो, आपको नजर आएगा कि वो रिस्क लेते गए। जैसे जैसे रिस्क लेते गए, उनकी कॉन्फिडेंस, उनकी ग्रोथ और उनकी नॉलेज बढ़ती गई, जिसके साथ रिस्क का साइज बढ़ता गया। पहले कंट्री छोड़ के बाहर जाने का रिस्क, उसके बाद अपनी जॉब छोड़ के वापस आके बिजनेस करने का रिस्क। स्पाइसेस की ट्रेडिंग कर रहे थे, मसालों की ट्रेडिंग कर रहे थे, लेकिन देखा यार्न की ट्रेडिंग करनी चाहिए, उसमें ज्यादा फायदा है। अपनी लाइन को बदलने का रिस्क, लोग हिम्मत नहीं करते। उसके बाद देखा फैक्ट्री लगाई जा सकती है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग करी जा सकती है, फैक्ट्री लगाने का रिस्क उस टाइम पे, उस दौर में। उसके बाद 91 में उन्होंने देखा पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स का प्लांट लगाया। 95 कम्युनिकेशन फील्ड में, रिलायंस कम्युनिकेशन। 98 रिलायंस गैस, रिस्क लेते गए, आगे बढ़ते गए। दोस्तों धीरू भाई अंबानी उनमें से नहीं थे जो किनारे पर बैठकर नजारे देखेंगे, वो उनमें से थे जो तूफान के बीच में अपनी कश्ती लेके जाएंगे, लहरों से लड़ते हुए लहरों से सीखेंगे और विजेता की तरह बाहर आएंगे। धीरू भाई अंबानी का फोर्थ लाइफ लेसन, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो, विचारों पर किसी का अधिकार नहीं होता।
धीरूभाई अंबानी कहते थे कि अगर आपको तरक्की करनी है ना तो दूसरों से बड़ा सोचो, दूसरों से आगे सोचो और दूसरों से जल्दी सोचो, वरना कोई और आपसे आगे सोचकर आपसे आगे निकल जाएगा। ये उनकी बड़ी सोच ही थी कि वो रिलायंस को 1977 में पब्लिक के बीच में ले आए और अपनी पहली आईपीओ ऑफर की। दोस्तों ऐसा आज तक इंडिया में पहले कभी नहीं हुआ था, पर उन्होंने किया और उसका नतीजा ये निकला कि उस वक्त 58,000 इन्वेस्टर्स आगे आए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। धीरूभाई अंबानी की इसी सोच की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे रही और इंडिया की वो पहली कंपनी बनी जो फॉर्च्यून 500 यानी वर्ल्ड की टॉप 500 कंपनीज में शामिल हुई। इसी सोच को मुकेश अंबानी ने भी अपनाया। जब उन्होंने जियो लॉन्च किया तो डेटा यूजर्स में जियो का रैंक 155 था, लेकिन अब वो रैंक नंबर 1 हो गया, सबसे आगे हो गया। फिफ्थ लाइफ लेसन, तुमको जो आता है वो तुम करो, बाकी सबको छोड़ दो। दोस्तों ये एडवाइस बिजनेस के शहंशाह ने बॉलीवुड के शहंशाह को दी। मैं कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन का एक इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें उन्होंने बताया कि जब वो पॉलिटिक्स में थे, उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको चैलेंजेस आ रहे थे, तब धीरूभाई ने उनको एडवाइस किया कि तुमको जो आता है वो तुम करो। अमिताभ, तुम्हारा काम एंटरटेन करना है, मनोरंजन करना है, तुम एक एक्टर हो, तुम एक अभिनेता हो, नेता नहीं। और अमिताभ ने उनकी एडवाइस मानी। दोस्तों धीरूभाई ने भी हमेशा वो किया जो उनको आता था। उनको आता था बिजनेस मैनेज करना, एंटरप्रेन्योरशिप करना, उनको आता था दुनिया को मुट्ठी में करना, और उन्होंने कर ली दुनिया मुट्ठी में। दोस्तों ये थे 5 इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन जो हम धीरूभाई अंबानी की लाइफ से सीख सकते हैं और अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेसन को यूज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। धीरूभाई अंबानी की लाइफ ने बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखाया, लोगों को सपने देखना सिखाया, लोगों को डटे रहना सिखाया, लोगों को रिस्क लेना सिखाया, लोगों को आगे बढ़ना सिखाया, लोगों को फोकस सिखाया। तो दोस्तों इस महान इंसान के बर्थडे पे, उनके जन्मदिन पे, ये थी मेरी तरफ से एक छोटी सी ट्रिब्यूट। अच्छी लगी हो तो लाइक दबा देना और साथ में कमेंट्स में उनके बारे में जरूर लिखना। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। सो अगर धीरूभाई की लाइफ ने आपको इंस्पायर किया तो दूसरों को भी इंस्पायर जरूर करें। इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और मोटिवेशन के साथ और इंस्पिरेशन के साथ। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।